फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान समन्वय। ज्ञान समन्वय में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा प्रायद्वीपीय भारत एवं पठार। अगर मैं सर्वप्रथम बात करूं पठार की तो हमारा पठार क्या होता है, किसी समतल भूमि से लगभग हमारे 500 से 800 मीटर की ऊंचाई और उसका जो ऊपरी हिस्सा वो हमारा कैसा होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पठार बोलेंगे। अब मैं अपने टॉपिक में आगे बढ़ूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। इसके अंतर्गत जो हम लोग बात करेंगे आज वो बात करेंगे सर्वप्रथम अरावली पर्वत की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत की, इसके बाद नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई की बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं अरावली पर्वत की। इसका विस्तार हमारा कहां से कहां तक है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं इसका विस्तार। इसका विस्तार हमारा कहां से है, इसका विस्तार हमारा गुजरात से है, गुजरात, फिर हमारा राजस्थान, फिर हमारा दिल्ली। ठीक, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। अगर हम बात करें दिल्ली में से क्या बोलते हैं, रायसीना की पहाड़ी। क्या बोला जाता है इसे, रायसीना की पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी, रायसीना नाम से इसे बोलते हैं। जो हमारे राष्ट्रपति का जो भवन बना हुआ है वो इसी पर्वत पहाड़ी पर बनाया गया, किस पर, रायसीना पर्वत पे। अगर हम बात करें अरावली पर्वत की तो ये हमारा सबसे प्राचीनतम पर्वत है। क्या है, सबसे प्राचीनतम पर्वत है। ठीक, अगर हम लोग इसके अंतर्गत और बात करें इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो इसकी चोटी का नाम अगर हम बताएं सबसे, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है क्या, गुरु शिखर। क्या नाम है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम, गुरु शिखर नाम है। अगर हम लोग बात करें कहां, तो ये हमारे माउंट आबू पे है। कहां पर है, माउंट आबू पे है। इसी के पास में हमारा एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है, वो हमारा मंदिर है जैन टेंपल। आखिर उस जैन टेंपल का नाम क्या है, तो वो फेमस टेंपल का नाम है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। वो कहां पर, हमारा इसी चोटी या फिर इसी माउंट आबू के जस्ट पास में है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सतपुड़ा पर्वत की, तो सतपुड़ा पर्वत का जो विस्तार है हमारा कहां से है, इसका विस्तार हमारा, इसका विस्तार भी हमारा कहां है, गुजरात, गुजरात के बाद हमारा कहां है, मध्य प्रदेश, एमपी, एमपी के बाद हमारा इसका विस्तार है कहां पर, छत्तीसगढ़ में। अब अगर हम लोग इसकी बात करें इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है हमारा धूपगढ़। क्या नाम है इसका, सबसे ऊंची चोटी का नाम है इसकी धूपगढ़। ठीक है, अब अगर हम लोग इसकी बात करें नीलगिरी पर्वत की, तो नीलगिरी पर्वत की हम लोग बात करें तो इसका विस्तार सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कहां से कहां तक है, तो इसका विस्तार हमारा है कर्नाटका से, उसके बाद इसका विस्तार है हमारा केरला में, केरला के बाद इसका विस्तार है तमिलनाडु में, इसमें इसका क्या है, विस्तार है। अगर हम लोग बात करें इसमें इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है हमारा क्या, दोड़ा बेटा। क्या नाम है, दोड़ा बेटा, सबसे ऊंची चोटी का नाम है किसकी, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोड़ा बेटा। ठीक, अगर हम लोग बात करें दोड़ा बेटा, तो ये हमारे भारत की मतलब दक्षिण भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है हमारी, दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है उसका, दोड़ा बेटा। अगर लास्ट में हम लोग बात करें अन्नामलाई की, तो अन्नामलाई हमारे कहां पर है, तो ये हमारे कहां पर है,
केरला और तमिलनाडु में। कहाँ पर? केरला और तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। अगर हम लोग बात करें सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी। क्या नाम है इसका? अनाईमुड़ी। अगर हम लोग बात करें अनाईमुड़ी के बारे में, तो ये हमारे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? हमारी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी बोल सकते हैं, क्या नाम है उसका? अनाईमुड़ी। अगर हम लोग लास्ट में एक बात और कर लेते हैं, इसके बाद हमारा आता है क्या, एक आता है हमारा इलायची की पहाड़ी। वो भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इलायची की पहाड़ी, वो मैं बता देता हूं इधर, इलायची की पहाड़ी। ये हमारी कहां पर है? तो ये हमारा कहां है? केरला में। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बात करें, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कॉडमम। क्या नाम है? कॉडमम। सबसे ऊंची चोटी क्या है इसकी? कॉडमम है। कहां पर है? ये केरला में है। अगर हम बात करें शांत घाटी की, तो शांत घाटी भी हमारी कहां पर है? केरला में है। शांत घाटी क्या है? हमारी जैव विविध, सबसे सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? शांत घाटी में। कहां पर है? केरला में। आज मैंने आप लोगों को बताया अरावली पर्वत, उसका विस्तार और उसकी सर्वोच्च चोटी, सतपुड़ा पर्वत के बारे में, नीलगिरी पर्वत के बारे में, अन्नामलाई पर्वत के बारे में, और लास्ट में बताया मैंने इलायची की पहाड़ी के बारे में, जो कहां पर है? हमारे केरला में है। इसी तरह के मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो लेकर आता रहूंगा, लेकिन आप लोग हमारा सपोर्ट बनाए रखिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।